Today we are starting a new chapter in history of India, that is the syllabus that you have to study, and that is about tribals, Dekus and the vision of a golden age. Teen cheezein hain isme jo notice karne layak hain. First of all, tribals, dusra Dekus kaun the, and lastly ye golden age kya tha. गोल्डन एज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं इन दो सवालों से. ना, हु वर ट्राइबल, हु आर ट्राइबल्स एक्चुअली एंड हु वर डीकूज. ट्राइबल्स आज भी हैं, पहले भी थे और आज भी हैं. सो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइबल्स. एक इमेज तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये ट्राइब्स हैं अलग अलग एरियाज के इंडिया के. ट्राइबल्स यूजुअली वो लोग हैं जो आदिवासी जिन्हें हम कहते हैं, जो कि फॉरेस्ट एरिया में रहते थे. अब बहुत सारे ट्राइबल्स सिविलाइज्ड लाइफ जीते हैं, सिविलाइज्ड एरियाज में रहते हैं और काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं. बट हु आर एक्चुअली ट्राइबल्स? इफ यू स्टडी एंथ्रोपोलॉजी, विच इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस एंड ऑल, तो एक्चुअली उसमें ये उसके हिसाब से ट्राइबल्स जो होते हैं ये एक सोशल ग्रुप है. ओके, सो a tribe is a social division and it has a traditional society consisting of families and communities linked by social, economic, religious or blood ties with a common culture and dialect, typically having a recognized leader. yani ki ek tribe ek social group hota hai, ek social division hota hai jisme families hoti hain, communities hoti hain aur wo aapas mein connected hote hain सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक या फिर ब्लड रिलेशन से. ब्लड टाइज मतलब ब्लड रिलेशंस. उनका एक कॉमन कल्चर होता है और एक डायलेक्ट होता है. डायलेक्ट मीन्स लैंग्वेज. लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या डिफरेंस है? लैंग्वेज ज़्यादा नंबर के लोग बोलते हैं, बहुत ढेर सारे लोग जब किसी भाषा को बोलते हैं तो हम उसे लैंग्वेज कहते हैं, जब कुछ लोग उसे बोलते हैं तो वो डायलेक्ट कहलाता है. और उनका हमेशा एक रिकॉग्नाइज्ड लीडर ज़रूर होता है एक ट्राइब का. तो क्या क्या है? एक ट्रेडिशनल सोसाइटी वी कैन से, ओके, एंड देन फैमिलीज हैं, कम्युनिटीज हैं, उनके जो कनेक्शंस हैं वो सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस या ब्लड टाइज होते हैं. एक कॉमन कल्चर होता है, एक डायलेक्ट होता है और एक रिकॉग्नाइज्ड लीडर होता है. तो यदि ऐसा कोई सोशल ग्रुप है तो हम उसे एक ट्राइब मानते हैं, एक ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं. डीकूज कौन थे? डीकूज मतलब आउटसाइडर्स फॉर द ट्राइबल पीपल. और किन्हें ये डीकूज मानते थे, यही हमारी आज की पढ़ाई है पूरी. आज आज यानी इस चैप्टर में, कि ये ट्राइबल्स कौन थे, इनकी लाइफ क्या थी और ये किसे डीकूज मानते थे. आउटसाइडर वर्ड सुन के ही लग रहा है कि ऐसे लोग जिन्हें अनवांटेड माना जा रहा है, जिन्हें डिस्टर्बेंस माना जा रहा है लाइफ में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ द ट्राइबल ग्रुप्स एंड देयर लाइव्स. लेकिन उसके पहले एक फोटो है तुम्हारे स्क्रीन पर और नाम लिखा हुआ है बिरसा मुंडा. यू कैन सी द इमेज. बिरसा मुंडा के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में. बिरसा मुंडा छोटा नागपुर एरिया में रहता था, छोटा नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. और लोग मानते थे कि बिरसा मुंडा के पास स्पेशल मैजिकल पावर्स हैं. ओके, कैसी मैजिकल पावर्स? वो लोगों की बीमारियां दूर कर सकता है, वो प्रोडक्शन बढ़ा सकता है एग्रीकल्चरल या फॉरेस्ट में, जो वो जो भी चीज़ें लोग ग्रो करते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकता है. और वो खुद भी यही कहता था कि हमको गॉड ने भेजा है, आई एम सेंट बाय गॉड to help you out and to relieve you from your troubles. Now exactly which troubles were there? किस चीज से इतना troubled थे ये societies जिनसे बचाने के लिए उन्हें बिरसा मुंडा जैसा व्यक्ति चाहिए था, जिसे कि लोग भगवान मानते थे. He was considered to be God himself and he was not only blindly followed by his own tribesmen but also other tribes like Santhals and Oraons. Munda was the tribe that he belonged to. Birsa was his name. So Birsa Munda ko na sirf Munda tribe but also Santhals and Oraons, ye dusre tribes bhi bhagwan ki tarah mante the aur samajhte the ki agar wahi hai jo unhe unki pareshaniyon se nijaat dila sakta hai, relieve kar sakta hai.
ये कौन सी परेशानियां थी इसको समझने के लिए अब हम पढ़ेंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी, ये ट्राइबल्स अपनी जिंदगी कैसे जीते थे और उस जिंदगी जीने में उन्हें कौन सी परेशानियां आ रही थी, और ये आउटसाइडर्स कौन थे ये डीकूज जिनसे वो इतने परेशान थे। वन ऑफ वन प्रोमिनेंट डीकू और वन कम्युनिटी वन ग्रुप फॉर विच दिस डीकू टर्म वॉज यूज वर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को तो बहुत बड़ा ट्रबल मानते थे वो लोग, क्यों मानते थे ये भी हम बात करेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट देयर लाइफस्टाइल, कि वो जीते कैसे थे, उनकी जिंदगियां कैसे चलती थी, वो क्या खाते थे, क्या लाइफ थी उनकी, पैसे कहाँ से आते थे उनके पास। तो हमने इसलिए उनके लाइफस्टाइल को तीन चार अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ओके, कि जो अलग अलग टाइप के लोग थे और उनकी लाइफ कैसे चलती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द कल्टिवेटर्स हु शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उन्हें झूम कल्टिवेटर्स कहा जाता था। और एज यू कैन सी झूम कल्टिवेटर्स यानी जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या किया जाता है कि फॉरेस्ट का एक एरिया क्लियर किया जाता है। कैसे? जो ट्री टॉप्स हैं उनको काट दिया जाता है ताकि धूप आ सके अंदर, क्योंकि जो फॉरेस्ट में जो ट्री टॉप्स होते हैं, वो जो कैनोपी होता है ट्री का, जो ऊपर पत्तियों का ब्रांचेस का पूरा झुंड है, वो इतना डेंस होता है कि कई एरियाज में जमीन तक धूप ही नहीं आ पाती है। तो ये लोग ट्री टॉप्स को, उस कैनोपी को काट के धूप आने का रास्ता बनाते थे, और जो नीचे वेजिटेशन है, जो प्लांट्स हैं, जो स्मॉल ट्रीज हैं, वो सब जला देते थे। जो ऐश में, जो ऐश होता था उसका, उसको जलाने के बाद उसको ये एज फर्टिलाइजर यूज करते थे लैंड को, लैंड की फर्टिलिटी के लिए, और उसमें फिर ये अपने क्रॉप्स ग्रो करते थे। और क्रॉप्स के सीड्स कैसे डालते थे, ये दे यूज टू ब्रॉडकास्ट, यानी ऐसे ऐसे करके स्कैटर करते थे, न कि एक क्यारी बना के या प्रॉपरली सो करके। वहाँ पे वो कोई भी हल चला के फरोज नहीं बनाते थे, ना ही उसमें बीज बोते थे। दे यूज टू ब्रॉडकास्ट सीड्स, बस ऐसे ही सीड स्कैटर करके छोड़ देते थे। और उसके बाद जब उनके प्लांट्स ग्रो कर जाते थे, तो जब वो हार्वेस्ट हो जाते थे, देन आफ्टर हार्वेस्टिंग द रेडी क्रॉप दे मूव टू अनदर प्लेस, एंड दैट प्लेस वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स टू रीगेन फर्टिलिटी। उस एरिया को जहाँ उन्होंने एक बार क्रॉप ग्रो किया है, उसे वो छोड़ देते थे एज इट इज, ताकि कुछ सालों में ये अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर ले सॉइल। ओके, एंड दे मूव टू अनदर एरिया, और फिर वहाँ फिर से यही प्रोसेस फॉलो करते थे। सो दे वर, दैट इज वाई कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। और ये बेसिकली किस एरिया में पाए जाते थे इंडिया के? द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द सेंट्रल इंडिया। और इस फोटो में तुम देखो, ये एक लैंड एरिया जहाँ इन्होंने जला के खाली किया है, और फिर इसमें अब ये कल्टिवेशन करेंगे। ये ऑफकोर्स फॉरेस्ट एरिया में ही ये प्रैक्टिस होता था, और जलाने के बाद कुछ इस टाइप का दिखता था ये जो लैंड एरिया होता था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कैटेगरी थी हंटर्स और गैदरर्स की। कई ऐसे लोग थे जो वो लाइफ नहीं चुनते थे, जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन की लाइफ नहीं चुनते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटिंग और गैदरिंग का मतलब क्या है? हंटिंग माने जानवरों को मारना, और गैदरिंग मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करना, यानी फॉरेस्ट में जो भी कुछ अवेलेबल है खाने की चीज़ें और हमारे अपने काम की चीज़ें, उसे कलेक्ट करना। तो ये जो हंटर्स और गैदरर्स थे, यहाँ पे हमने बेसिकली ज़्यादा डिटेल में बात की है खोंड्स की, जो उड़ीसा के थे। ओके, खोंड्स वर अ ट्राइबल ग्रुप विच बिलोंग टू उड़ीसा। तो उड़ीसा के एक ट्राइबल ग्रुप की हम बात यहाँ डिटेल में कर रहे हैं। यू कैन सी इन द इमेज कि वो लोग कैसे हंटिंग करने जाते थे। पूरा एक संग, एक ग्रुप बना के, कलेक्टिव हंट होता था। एक संग ग्रुप बना के जाते थे, जानवर को मारते थे, और जो मीट होता था फिर वो पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होता था। सब लोग मिल के उस जानवर का जो फ्लैश था उसे खाते थे। ओके, क्या कलेक्ट करते थे? वो फ्रूट्स और रूट्स कलेक्ट करते थे जंगल से, खाते थे उसको। एक्सट्रैक्टेड ऑयल, जो ऑयल की उनको ज़रूरत होती थी, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे? महुआ और साल के सीड्स से। ये प्लांट्स हैं महुआ एंड साल, और उसके सीड्स से वो कलेक्ट करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे ऑयल।
देन यूज्ड मेनी हर्ब्स एंड श्रब्स फॉर मेडिसिनल यूज. जो फॉरेस्ट में अवेलेबल श्रब्स हैं और हर्ब्स हैं उनकी पत्तियों को फूलों को फॉर मेडिसिनल पर्पस यूज करते थे. एंड ऑफ कोर्स कई बार पैसे कमाने के लिए वो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट ले जाके बेचते थे लोकल मार्केट्स में, और उससे जो पैसा मिलता था थोड़ा बहुत उससे अपना घर चलाते थे. तो जो आसपास के गांव के वीवर्स होते थे या जो लेदर वर्कर्स होते थे, उन्हें जब भी ज़रूरत होती थी फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, पर्टिकुलरली कुसुम और पलाश फ्लावर्स की, तो वो इन्हीं ट्राइबल्स को एक बार कांटेक्ट करते थे कि हमें ला के दो. सो दे वर द सप्लायर्स ऑफ दीज फ्लावर्स फॉर देम ऑल्सो. ये कलर टैनिंग के लिए काम आता था, कलर यूज करते थे इसका वो लोग, तो इसके लिए इनको ही कांटेक्ट किया जाता था. ओके, बट सवाल ये है कि ये जो हंटर्स और गैदरर्स थे, इन्हें खाने का जो ग्रेन्स होते थे जैसे राइस और दूसरे ग्रेन्स, ये कैसे मिलते थे? इसके लिए ये क्या करते थे फूड ग्रेन्स के लिए, कि या तो ये फूड ग्रेन्स खरीदते थे जो थोड़ा बहुत इनके पास पैसा होता था उससे, या फिर अपने कीमती फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बदले फूड ग्रेन्स एक्सचेंज करते थे विलेजर्स से. ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी थे, कुछ जो मतलब यहाँ कुछ ऐसे ट्राइबल्स भी थे जो पैसे कमाने के लिए दूसरे ऑड जॉब्स भी करते थे, जैसे कि बिल्डिंग रोड्स, बिल्डिंग सड़क बनाने का अगर काम चल रहा है तो उसमें एज लेबरर काम कर लिए, या फिर कहीं मजदूरी कर लिए, सामान ढो लिए, या फिर किसी पेजेंट या फार्मर जो थोड़ा पैसे वाले हैं उनके खेतों में मजदूर के तौर पर काम कर लिए. इस तरह से ये लोग काम भी करते थे, ऑड जॉब्स करते थे कुछ इधर उधर, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, बिकॉज दे लिव्ड इन अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी. सो दैट इज़ वाई दे इन ऑर्डर टू अर्न मनी. अच्छा, क्या सिर्फ फॉरेस्ट से उनका काम नहीं चल रहा था? जब आउटसाइडर्स यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ा फॉरेस्ट एरिया में, तो इन आदिवासीज की, इन ट्राइबल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, और तब इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी कि वो विलेज की तरफ जाएं और वहाँ कोई काम देखें और पैसे कमाएं. ओके, लेकिन जो बायगास थे सेंट्रल इंडिया के, सेंट्रल इंडिया की एक ट्राइब थी, खोंड्स उड़ीसा की ट्राइब थी जिनके बारे में अभी तक हम बात कर रहे हैं, जो बायगास थे सेंट्रल इंडिया के, दे वर एक्सट्रीमली रिलक्टेंट इन गोइंग टू वर्क फॉर समबडी एल्स. वो किसी और के लिए काम नहीं करना चाहते थे, उसे वो अपने आत्मसम्मान के खिलाफ समझते थे, वो अपने उसको एक सेल्फ रेस्पेक्ट के अगेंस्ट मानते थे कि किसी और के लिए हम एक लेबरर का काम करें. दे बिलीव दैट दे वर द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट एंड दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड सर्वाइव इन द फॉरेस्ट विद वॉट एवर फॉरेस्ट प्रोवाइडेड देम. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट थे एंड दे कंसिडर्ड इट बिलो देयर डिग्निटी, अपने आत्मसम्मान के खिलाफ मानते थे, उस पर चोट मानते थे कि उन्हें किसी और के लिए काम करना पड़े. ओके, तो ट्राइबल ग्रुप्स को लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती थी उन चीज़ों को लेने की जो फॉरेस्ट में नहीं मिलता था. ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो फॉरेस्ट में अवेलेबल नहीं थी, तो वो चीज़ें ये कहाँ से लेते थे? वो चीज़ें लेने के लिए इनको वेट करना होता था या जाके कॉन्टैक्ट करना होता था उन लोगों से जो सामान बेचते हैं, और इनको पैसे भी चाहिए होते थे उन चीज़ों को खरीदने के लिए जो फॉरेस्ट में नहीं प्रोड्यूस हो रही हैं. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स इंक्रीज्ड. कैसे डिपेंडेंस होता था ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पे? ट्रेडर्स वो लोग थे जो सामान लेकर आते थे बेचने के लिए या बेचते थे, जिनसे ये सामान खरीदते थे ये ट्राइबल्स, जो इन्हें फॉरेस्ट में नहीं मिल पाता था वो सामान. और ये ट्रेडर्स यूजुअली बहुत हाई प्राइसेस पे सामान देते थे. एट द सेम टाइम इनके पास, ट्राइबल्स के पास जब पैसे नहीं होते थे सामान खरीदने के, देन दे यूज टू बोरो मनी. वो कहीं से मनी लेते थे जिससे कि उनका काम चल सके, जो उनकी लाइफ चल सके. तो मनी कहाँ से लेंगे? मनी लेंडर्स से लेंगे, और ये मनी लेंडर्स बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी देते थे. एज अ रिजल्ट ये जो ट्राइबल्स थे, दे स्टार्टेड टू बिलीव कि ये जो मनी लेंडर्स और ये जो ट्रेडर्स का पूरा चक्कर है, ये मार्केट का, कॉमर्स का, ट्रेड का, सामान खरीदना बेचना, ये जो पूरा चक्कर है,
ये बहुत बुरा है, ये बहुत खराब है और ये उनके लिए सिर्फ गरीबी और कर्ज लेकर आता है। ये दूसरे के कर्जदार बन जाते हैं और गरीबी में डूबते चले जाते हैं। सो दे हेटेड दिस एंटायर सिस्टम ऑफ बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग, लेंडिंग एंड ऑल दैट, एंड दे ऑल्सो कंसिडर्ड दीज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स एज आउटसाइडर्स एंड कॉज ऑफ देयर मिजरी। उनके दुख का कारण वो समझते थे इन मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स को भी। यानी डीकूज में मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स भी आ गए अब। ओके, तो क्या सारे लोग ऐसी ही लाइफ जीते थे? क्या कोई और भी तरीका था लाइफ जीने का, हंटर्स और गैदरर्स या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के अलावा? कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे आदिवासी थे, ट्राइबल्स थे, जो जानवरों की रियरिंग करते थे, हर्डिंग एंड रियरिंग। हर्ड का मतलब होता है झुंड, यानी जानवरों को पालते थे और उन्हीं के थ्रू अपना जीवन चलाते थे। उनके प्रोड्यूस को या तो बेचते थे या खुद इस्तेमाल करते थे और उसी के हिसाब से उनकी जिंदगी चलती थी। कौन से जानवर होते थे? मौसम के हिसाब से या तो ये कैटल रखते थे या शीप की हर्ड रखते थे। सो दे वर पैस्टोरलिस्ट एंड मूव्ड विद हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन, एज आई टोल्ड यू। जब एक जगह की घास खत्म हो जाती थी, ये जो भी जानवर रखते थे वो घास चरने वाले जानवर होते थे, हर्बीवोर्स होते थे। तो ये जो घास चरने वाले जानवर होते थे, जब एक जगह की घास खत्म हो जाती थी तो फिर इन हर्डर्स एंड कैरियरर्स को दूसरे जगह मूव करना होता था अपने पूरे एनिमल्स के साथ। सारे इनके जो एनिमल्स का हर्ड होता था उसको लेके इनको जाना होता था। ठीक, और कौन थे ऐसे? कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे बुक में दिए हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जितने भी एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ ये सब तुम्हारे बुक में दिए हैं और ये सब तुम्हें बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए। तो वन गुज्जर्स एंड लबादीज। वन गुज्जर्स थे पंजाब हिल्स के और लबादीज थे आंध्र प्रदेश के। ये कैटल हर्डर्स थे, ये कैटल रखते थे। गद्दीज थे कुल्लू एरिया के और ये शेफर्ड्स थे, यानी ये शीप इनके पास होती थी। बकरवाल्स थे कश्मीर के और ये गोट पालते थे, बकरियों को पालते थे। तो हमने पढ़ा शिफ्टिंग कल्टीवेशन जीने का एक तरीका ट्राइबल्स का, हमने पढ़ा हंटिंग एंड गैदरिंग एक तरीका जिंदगी बिताने का। अब एक तीसरा तरीका हमने पढ़ा कि जो हर्डिंग और रियरिंग करते थे एनिमल्स की। एंड लास्टली एक सबसे जो एडवांस्ड, सबसे डेवलप्ड तरीका था जीने का वो था सेटल्ड कल्टीवेशन, यानी प्रॉपर एग्रीकल्चर करके जिंदगी बिताना। तो बहुत सारे ऐसे पेजेंट, ऐसे सॉरी ट्राइबल्स थे जो 19th सेंचुरी के पहले से ही सेटल्ड लाइफ जीना जिन्होंने शुरू कर दिया था। वो एक से दूसरे जगह मूव नहीं करते थे, उनके पास एक अपनी जमीन होती थी। वो जमीन उन्होंने धीरे धीरे, उसकी ओनरशिप उन्हें मिल गई एक ही जगह रहते रहते। उनके पास अपने खेत थे जिसपे वो काम करते थे, ठीक है, और वो प्लाउ करते थे फील्ड को, यानी बकायदा हल चलाते थे। अब वो पहले की तरह ऐसे ब्रॉडकास्ट नहीं करते थे सीड्स को, वो प्रॉपरली हल चला के खेतों में फरो करके, फरोइंग करके, और उसमें फाइनली वो बीज बोते थे जो नॉर्मल खेती करने का तरीका होता है। और कौन थे वो? जैसे मुंडास थे छोटा नागपुर के, वो इस तरह के लोग थे जो एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी मुंडास के केस में कि उनकी जो जमीन होती थी वो किसी एक फार्मर की नहीं होती थी, वो जमीन पूरे क्लान की, पूरे ग्रुप की होती थी। ये माना जाता था कि जो क्लान के सारे मेंबर्स हैं वो कॉमन डिसेंडेंट्स हैं एक ओरिजिनल एंसेस्टर के, जो सबसे पहले आए और उस जमीन पे सेटल किए। तो वो जमीन सबकी मानी जाती थी कि क्योंकि हम सारे लोग उस कॉमन एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स हैं जो इस जमीन पर आए और रहे, तो अब ये जमीन जो हमारे पास है ये हम सब की है। ये फीलिंग थी मुंडाज में। गोंड्स और संथाल्स ये भी सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स थे, ये भी सेटल्ड कंटिवेशन करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश ऑफिशियल्स की नज़रों में जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे वो ज़्यादा सिविलाइज्ड थे। जो हर्डर्स एंड दिस हंटर्स एंड गैदरर्स एंड
शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स यानी झूम कल्टीवेटर्स जो होते थे उन्हें वो लोग वाइल्ड समझते थे कि सैवेज हैं, वाइल्ड हैं, बिल्कुल जंगली लोग हैं ये लोग. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज हाउ दीज पीपल, दीज ट्राइबल्स कैरीड आउट देयर लाइवलीहुड, कैरीड आउट देयर लाइव्स. एंड यू विल ऑल्सो कम टू नो कि इनकी जो लाइफ थी वो जस्ट लाइक दैट नहीं चलती थी. ये भी एक साइकिल फॉलो करते थे अपनी एक्टिविटीज़ का, कि किस महीने में ये कौन सा प्लांट बोएंगे, कब काटेंगे, क्या करेंगे. इनकी सोसाइटी भी वैसे ही चलती थी जैसे कि हमारी जिंदगियां चलती हैं. हमारा भी जो पूरा साल है वो साल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसमें भी हमारी एक्टिविटीज़ फिक्स होती हैं कि किस महीने में शादी के मुहूर्त हैं, किस महीने में कोई शुभ काम किया जा सकता है, किस में नहीं किया जा सकता है. Likewise, these tribals also had quite an organized life. ये जो tribal groups होते हैं, इनकी जो society होती है, जो इनका social structure होता है, वो normal जो ब्राह्मण system है, जो वैदिक system है, उससे बिल्कुल अलग होता है. वो जो वैदिक stratification है society का अलग अलग castes में, वैसा नहीं होता है. इनके यहाँ कोई कास्ट नहीं होता है, ये सारे एक होते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके यहाँ स्टेटस का डिफरेंस नहीं होता है. बिल्कुल हो सकता है स्टेटस डिफरेंस, बट कास्ट का की डिफरेंसेस नहीं होते हैं, कि डिविजन्स नहीं होते हैं. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट देयर देम एंड देयर लाइफ मोर व्हेन वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, रीड योर एनसीईआरटी, टेक केयर एंड बाय.